दोस्तों नमस्कार। आज आई किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि एक जिसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि भैया 299 और 300 में क्या डिफरेंस है। तो 299 और 300 में जो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा और आपको याद ही कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अपन चलेंगे बेरेट के माध्यम से और बेरेट के माध्यम से समझेंगे, फिर अपन लास्ट में केस लॉ भी समझेंगे क्या डिस्प्यूट हो रहा है, केस लॉ पे क्या मैटर छिड़े हुए हैं कि भैया क्या मैटर है कि 299 कल्पेबल होमोसाइड और नॉट अमाउंटेड टू मर्डर, इस टाइप से जो चीजें बोली जाती हैं, क्या अरेस्टेशन है, क्या है, सब चीजों पे अपन बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको रखना होगा धैर्य और आपको मेरे साथ बने रहना होगा अंत तक। चलिए तो अपन बात करते हैं 299 और किसकी वर्सेस 300 पे। जी हाँ दोस्तों, अपन 299 और 300 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी बैरेक्ट देखना पड़ेगी क्योंकि बैरेक्ट के माध्यम से ही अपन आज समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं 299 और 300 में कि जो बताएगी कि ग्रेविटी और ग्रेविटी कम, क्योंकि ग्रेविटी पे टिका हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट। किस पे टिका है? ग्रेविटी पे। एक बताएगा भैया अगर ग्रेविटी थोड़ी सी कम हो गई तो 299 में पहुंच जाएगा, एक बताएगा ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो 300 में पहुंच जाएगा। तो अब इस कहानी को समझने के लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा बेरेट। चलिए तो बेरेट की थोड़ी सी रीडिंग कर ली जाए, क्या होता है 299 की बात करते हैं। 299 में कल्पेबल होमोसाइड की बात करता है। अब देखो कल्पेबल होमोसाइड में whoever caused death by the doing an act the intention of causing death, मतलब अगर बात करें पनिशमेंट की इन सब के पहले कि भैया इनकी पनिशमेंट कहां है, तो देखो 304 में इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और अगर अपन 300 की बात करें तो 302 में जो अपना मर्डर है तो उसकी पनिशमेंट कहां मिलेगी, 302 में मिलेगी। लेकिन 304 में कितने पार्ट है? 304 में है दो पार्ट। कितने पार्ट है? दो पार्ट है, एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट अपना भाई साहब ये। अब भैया पहले पार्ट में पनिशमेंट की अगर बात करें तो पहले पार्ट में पनिशमेंट कैसे मिलेगी? पहले पार्ट की अगर पनिशमेंट बोले तो एलआई और 10 साल की सजा, एलआई और 10 साल की सजा। और दूसरे पार्ट में जो अपन बोलेंगे तो दूसरे पार्ट में अपन बोलेंगे भैया 10 साल की सजा। और जबकि 302 अपन को पता है कि भैया डेथ है और क्या है अपना एलआई है, ठीक है। तो ये रही पनिशमेंट की बात। लेकिन अब उठा रहे हैं अपन 299 के। 299 में अपन को पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि पढ़ना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अपन किस बेसिस पे चलेंगे। देखो याद भी यही करना है और समझना भी यही है और उसका जो डिस्प्यूट छिड़ा है वो भी यही अपन क्लियर करेंगे। देख 299 में अपन को क्या कितने पॉइंट मिलेंगे, उसके पार्ट है अंदर। आप अगर बैरेट को तोड़ोगे तो उसके भी पार्ट मिलेंगे, ठीक है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीन पार्टों में बटा है 299 आपके, ठीक है। उसके इलस्ट्रेशन कितने हैं? उसके इलस्ट्रेशन भी पहला, दूसरा और तीसरा, डन। उसके बाद उसके जो अपने क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो वो कितने हैं? वो भी तीन, पहला, दूसरा, तीसरा। मतलब तीन तीन का कॉम्बिनेशन बना है पूरा। और ये पूछता है और ये अपन को याद भी रखना है, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों पे चर्चा होनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन मुख्य भूमिका पे। तो थोड़ी सी अपन बात करते हैं कि इसकी मुख्य भूमिका कैसी होगी। चलिए बेरेक्ट थोड़ी सी रीड कर लें। कर चुके हैं अपन रीड कि भैया कॉज डेथ बाय डूइंग एनी एक्ट द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो पहले पार्ट में जो 299 का जो पहला पार्ट, पहले पार्ट में अपना इंटेंशन है क्या है भाई साहब? इंटेंशन है क्या है? इंटेंशन है, ठीक है। इंटेंशन काय का है अपना? सीधा सीधा बोलता पहले पार्ट में डेथ का। भैया हिंदी में पढ़ोगे तो साफ साफ लिखेगा, क्या लिखा हिंदी में? जो कोई मृत्यु कारक करने के आशय से, मतलब इंटेंशन कैसा है? डेथ का, मृत्यु कारक करने के आशय का, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट बोलता है भैया इंटेंशन कैसा है? अब इंटेंशन अपन को चेक करना है। इंटेंशन है भैया बॉडीली इंजरी के बारे में। किसके बारे में है? बॉडीली इंजरी मतलब शारीरिक क्षति करने के बारे में, जो उसका दूसरा पॉइंट हिंदी में लिखा है, या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से। लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट क्या है?
तीसरा पॉइंट जो अपना बोलता है, और बॉडीली इंजरी जो हिंदी में लिखा है बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, लाइकली टू कॉज इन डेथ, ये सेकंड पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या होता है, तीसरा पार्ट में नॉलेज, तीसरे पार्ट में क्या है अपना भाई साहब, नॉलेज के बारे में बात होती है। किसके बारे में होती है, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज के बारे में बात होती है। और नॉलेज में बॉडीली इंजरी का कोई रोल नहीं है, लेकिन नॉलेज में यह पता है कि लाइकली टू कॉज इन डेथ। ये जो पार्ट है तीसरा नॉलेज, इस पे छिड़ा है डिस्प्यूट कि भैया किस तरीके का नॉलेज है। यदि आपका नॉलेज है कि इस काम से डेथ 100% हो जाएगी, जैसे कि क्या होता है पिता और पुत्र, अगर पिता बंदूक लेकर खड़ा है और अपने बेटे को गोली चला देता है, ठीक है, तो पिता का इंटेंशन नहीं हो सकता, लेकिन पिता को यह नॉलेज जरूर है कि अगर मैंने गोली चलाई तो मेरा लड़का मर जाएगा। यह है नॉलेज का एक फर्क, क्योंकि इसमें इंटेंशन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि कोई पिता अपने पुत्र को एक इंटेंशनली क्यों मारेगा, ठीक है, लेकिन उसको नॉलेज है कि अगर मैं गोली चला दूंगा, ठीक है, तो मेरे बेटे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये वाला जो नॉलेज है, ये वाले नॉलेज की बात होती है, ठीक है। तो इस नॉलेज को समझना है आपको मर्डर से और कल्पेबल होमोसाइड से करेंगे आगे, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट, ये तो अपन थे बेरेक पे कि पहले पॉइंट में इंटेंशन है डेथ करने का, दूसरे पॉइंट में इंटेंशन है बॉडीली इंजरी करने का, लाइकली टू कॉजिंग डेथ मतलब मृत्यु कारक हो की संभावना है भैया, कि भैया मृत्यु कारक होने का क्या हो, प्रोबेबिलिटी हो, और क्या हो अपने नॉलेज भी हो, ठीक है। मतलब नॉलेज भी दोनों तरीके का नॉलेज, ऑलरेडी ये वाला, ठीक है, कि नॉलेज भी है और आपका इंटेंशन भी है लाइकली टू कॉजिंग डेथ, ठीक है। आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तब समझ में आया बात कि भैया ये वाली बात हो रही है, इसमें सिर्फ पॉइंट ये है कि पहले वाले में इंटेंशन है डेथ करने का, दूसरे वाले में भैया इंजरी है, बॉडीली इंजरी के बारे में बात करता है, कॉजिंग डेथ तो हो सकती है, ऐसा इंटेंशन है, लेकिन नॉलेज भी है बॉडीली इंजरी की, जिसमें क्या हो सकती है भैया कॉजिंग डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये सब कुछ काय में आएंगे, कल्पेबल होमोसाइड में अपना आ जाएगा। अब बात करते हैं भैया इलस्ट्रेशन पे बात कर ले, जरा किस पे बात कर ले, इलस्ट्रेशन पे बात कर ले, फिर अपन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, ठीक है। तो पहले वाले इलस्ट्रेशन में अगर जनरली बोला जाए, पहला वाला इलस्ट्रेशन देखिए आप अपना क्या लिखा है, पहले वाले में इलस्ट्रेशन में अगर देखा जाए तो उसमें बोलता है भैया एक गड्ढा खोदता है, उसमें घास बिछा देता है और बीजे पर्सन आता है और वो अपने वो गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कल्पेबल होमोसाइड कहलाता है। लेकिन एक जनरली बात सोच के देखिए, बात के चलिए उस गड्ढे में अगर सांप हो, उस गड्ढे में घास हो, उस गड्ढे में कांटे हो, तो गड्ढे में गिरने से मृत्यु होना तय है, फिर सांप है तो सांप काटेगा मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, कांच है कांच चुप जाएगा गले में चुप जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। तो आप किसी चीज का गड्ढा खोदने से अनुमान नहीं लगा सकते, आपको ये नॉलेज होना चाहिए अगर आपकी ग्रेविटी ज्यादा होगी तब जाके वो मर्डर बनेगा, अन्यथा कल्पेबल होमोसाइड में बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्टिव में कल्पेबल होमोसाइड अगर नहीं लिखा है तब आपको यही वाला जो इलस्ट्रेशन है तब आपको मर्डर ही टिक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि गड्ढे का अनुमान जब तक स्पेसिफाइड ना कर दिया जाए कि गड्ढा खोदा गया है, गड्ढे के अंदर कुछ ऐसी चीज है जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए, क्योंकि गड्ढे में गिरने से अकेली मृत्यु कारित नहीं होगी। तो पहला वाला समझ में आया, ठीक है, मतलब बचने की संभावना ज्यादा है गड्ढे में गिरने से, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज है कांच है सांप है तो फिर आपको मरना तय है, तो वो मर्डर में आएगा, अन्यथा कल्पेबल होमोसाइड में आएगा, ठीक है। आगे की कहानी और चलिए आगे कहानी बोलते हैं, सेकंड वाले क्लोज में क्या बोलता है, तो अपन ने पहला पढ़ा, सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में क्या बोलता है, सेकंड वाले में बोलता है कि भैया का जो झाड़ी के पीछे वाली बात बोलता है कि भैया वो झाड़ी के पीछे था, ठीक है, वो नहीं जानता था, ठीक है, और उसको बोला कि भैया मार चूहा है, ठीक है, उस मार देता है और ये इससे उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो भैया बोलता है कि भैया वो सामने वाला जिसने इशारे में बोला था कि मार, जबकि उसको नॉलेज था
कि सामने क्या है, कोई व्यक्ति है और सामने वाला नहीं समझ रहा था और वो मार देता है, तो वो कल्पिबल होमोसाइड का दोषी है और जिसने उत्प्रेरित किया उसको वो मर्डर का दोषी है। इसी प्रकार तीसरा वाला भी है, तीसरे वाले में भी कल्पिबल होमोसाइड वाला बोलता है। ठीक है, ये वाली चीज आएगी। अब अपन एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को याद करने का क्या है तजुर्बा, ये देखिए एक्सप्लेनेशन ऐसे याद करना। पहले वाले में बोलता है भैया मृत्यु त्वरित कर देता है, त्वरित मतलब एक्सीलरेट ऑफ द डेथ के बारे में बोलता है। ठीक है, इसके बारे में बोलता है कि भैया अगर कोई व्यक्ति है अगर किसी बीमारी से ग्रसित है किसी रोग से ग्रसित है, ठीक है, और उसे अपन को पता है कि अगर अपन ने यहाँ मार दिया, यहाँ शारीरिक क्षति कर दी, तो उसकी मृत्यु कैसे हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी, तो उसकी मृत्यु का करना समझा जाएगा, ये बोलता है। मतलब बात समझ में आ रही कि एक्सीलरेट के बारे में कौन बोलता है, पहला वाला बोलता है एक्सीलरेट के बारे में। ठीक है, पहला वाला बोलता है मृत्यु कैसी हो जाती है, तुरंत हो जाती है, ठीक है, एक्सीलरेट हो जाती है। ठीक है, दूसरा वाला क्या बोलता है, दूसरा वाला बोलता है भैया रेमेडी के बारे में बात करता है। दूसरा किसके बारे में बात करता है, रेमेडी के बारे में, आप पढ़ लीजिए उसमें क्या लिखा है। दूसरा बोलता है शारीरिक क्षति से मृत्यु कारक की हुई हो, जिस व्यक्ति ने शारीरिक क्षति कारक करने से वह मृत्यु कारक की हो यह समझा जाएगा, उचित उपचार या कौशल चिकित्सा करने में मृत्यु रोकी जाती थी। मतलब मार्ग के चलो इंसान मतलब अपन इलाज करा दे उसको, रेमेडी प्राप्त कर दे तो उससे मृत्यु रोकी जा सकती थी। ठीक है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं कराता है तो क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा अपना कल्पेबल होमोसाइड। ठीक है, तीसरा वाला बोलता है कि तीसरे वाले में दो चीजें, एक तो बोलता है तीसरे वाले में इनसाइड बॉम्ब के बारे में बात करता है और एक बात करता है आउटसाइड बॉम्ब के बारे में बात करता है। मतलब अगर बच्चा माँ के गर्भ में है और मर जाता है तो नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमोसाइड, लेकिन आउटसाइड बॉम्ब में आ गया तो फिर भैया अगर मरा फिर मारा या कुछ भी ऐसी चीज करी आपने तो फिर वो कहाँ है, फिर वो कल्पेबल होमोसाइड में आ जाता है। बॉडीली इंजरी हो जाती है, जैसे कि सांस ना ली हो, सांस ली हो, इस टाइप से उसमें बोला गया है। ठीक है, कि बच्चे ने अगर सांस ले ली हो और तब मर गया है तो कल्पेबल होमोसाइड नहीं ली हो और मतलब माँ के बॉम्ब में है। ठीक है, ये सब चीजें तो कितनी तीन तीन का कॉम्बिनेशन बना के अपन ने समझा इसको कि भैया क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। ठीक है, आगे की कहानी अपन 300 से स्टार्ट करते हैं और इनके डिफरेंस पे बात करते हैं। देखिए क्या है, सबसे सिंपल एक्चुअली देखो इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन पे इतनी बात ज्यादा नहीं कर रही क्योंकि अपन को मेन कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन समझने में क्या है, वो जो चीज ऊपर दी है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब लेकिन अपन को जो समझना है वो ये इनका डिफरेंस कैसे लिखेंगे और डायरेक्ट से कैसे याद करेंगे, आइए समझते हैं। एक तरफ लिखिए आप कल्पेबल होमोसाइड और दूसरी तरफ अपन ने लिखा मर्डर। एक तरफ कल्पेबल होमोसाइड है और दूसरी तरफ अपना क्या है मर्डर। ठीक, डन, आगे बात करते हैं। और दोनों में क्या देखना है, अपन को चर्चा करनी है अपन को सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी पे, खूंखार। अगर खूंखार ज्यादा खूंखार हुआ, ज्यादा ग्रेविटी है अगर आपकी थिंकिंग में तो 100% मदर में जाएगा, अन्यथा इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक है, और तो बात करते हैं अपन इनके एक्सेप्शन, अपन को और क्या पढ़ना है, इनके एक्सेप्शन पे पढ़ना है। ठीक है, तो 300 में मतलब कल्पेबल होमोसाइड में कितने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 कितने हैं, 5 किसके हैं, कल्पेबल होमोसाइड के, नॉट अमाउंटेबल टू मर्डर में। ठीक है, और इसके कितने पड़ने हैं अपन को, 1, 2, 3, 4, इस पे चर्चा करनी है किसके, मर्डर के एक्सेप्शन पे, ये वाले मतलब 5 इसके 4 इसके। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े कहानी को लेकर। ठीक, अपन ने सबसे पहले अपन देखेंगे 299 का 1 और वर्सेस लड़ाई किसकी कराएंगे, 300 के 1 की। अब 300 का 1 देखिए और 299 का 1 जो अपन ने पढ़ा है वो दोनों पे बात करिए।
300 का एक देखिए, 300 का एक क्या बोलता है, 300 का बोलता है कि भैया अपराधिक मानववाद हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कार्य की मृत्यु कर देते आसन कहते, मतलब कोई चेंज नहीं है, मतलब जो इसमें दिया था किसमें, जो इसमें दिया था पहले जो अपन ने बोला था कि भैया क्या है कॉजिंग डेथ, इंटेंशन क्या है डेथ करने का, पहले मैं बोला था अपन ने कि इंटेंशन क्या है भैया आपका डेथ कॉज करने का है, तो ये भी क्या है इंटेंशन क्या है आपका डेथ कॉज करने का है, मतलब नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, डन, नो डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या आया नो डिफरेंस आया। अब अपन बात करेंगे 299 के 2 पे वर्सेस 30 के 2 पे, ठीक है, मतलब 300 के 2 पे और 300 के 3 पे, अब मतलब डिस्प्यूट छिड़ा है इन तीनों पे, क्या वो इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब बात करेंगे इनकी, तो अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा, इसमें अपन ने पढ़ा कि भैया इंटेंशन है, और क्या पढ़ा अपन ने, पढ़ा भैया बॉडीली इंजरी है, और अपन ने क्या पढ़ा एक और चीज पढ़ी थी डेथ, क्या पढ़ा था अपन ने डेथ पढ़ा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें अगर थोड़े सी लैंग्वेज के बारे में चर्चा कर ली जाए, तो लैंग्वेज के सेकेंडरी पार्ट में देखिए, उसमें लिखा भैया शारीरिक क्षति करने के आशय से अपराधी जानता हो कि व्यक्ति की मृत्यु कारक करना संभव है और इस प्रकार अपहानी कारक की गई, इस प्रकार यानी कि ये अपहानी कारक की गई है। और तीसरा वाला पॉइंट बोलोगे यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया है, वह शारीरिक क्षति से कारक करने के आशय से प्रकृति की मामूली मृत्यु करने, प्रकृति की मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारक करने के लिए पर्याप्त हो, ठीक है। मतलब इसमें क्या दिया, इसमें दिया भैया इंजरी एक तो दी है, एक तो बॉडीली इंजरी दी है, और क्या दिया है, और दिया है भैया डेथ, लेकिन एक वर्ड और चूक गया, एक वर्ड एक्स्ट्रा लगेगा, एक वर्ड लिखा है इसमें नॉलेज। अब ये नॉलेज क्या है, उधर भी अपन ने नॉलेज की चर्चा है, क्योंकि भैया मैंने आपसे बोला कि वहां जो नॉलेज है और यहाँ जो नॉलेज है यही तो एक नॉलेज का फर्क है, क्या वहां पे जो ज्ञान है वो संभाव्य है, यहाँ पे जो ज्ञान है ये यहाँ पे भी वही नॉलेज है, ये बोल रहा है भैया यहाँ पे नॉलेज कैसा है, यहाँ पे नॉलेज है वीक, कमजोर, कैसा कमजोर, वीकनेस है नॉलेज की, क्या है यहाँ पे वीकनेस है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वीकनेस है नॉलेज की, ठीक है। अब नॉलेज की वीकनेस वही फादर वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा, अगर फादर सन वाला, ठीक है, कि अब देखो बॉडीली इंजरी के बारे में बात करें तो बॉडीली इंजरी अपन ने पढ़ ली है किस प्रकार से, दो प्रकार की बॉडीली इंजरी होती है, एक तो अपन ने पढ़ रहे हैं अपन 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 जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं अपन 300 का 2 और अपन देख रहे हैं 300 का 3, ये दोनों चीजें अपन ने देखी, ठीक है, दोनों चीजों में देखी। अब इन दोनों में अंतर क्या है, 300 का 3 और 302, क्योंकि मैंने दोनों में एक ही चीज लिखी है, ये वाली चीज लिखी, तो दोनों में आप पूछोगे भैया इनमें अंतर क्या है, तो एक में जो बॉडीली इंजरी हो रही है, एक में जो बॉडीली इंजरी हो रही है वो 299 के 2 में आ सकता है, मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है अगर आप पढ़ोगे उसकी लैंग्वेज को, बेरेक की लैंग्वेज को, तो क्या लिखा है 300 के 2 में लिखा है भैया जो 299 का जो 2 है जिसमें बोला गया है कि मरना हो सकता है, मर सकता है, तो मर सकता है कहाँ आया 300 के 2 में, लेकिन मरेगा ही कहाँ आया अपना, मरेगा अपना आया 300 के 3 में आया, किसके आया 300 के 3 में, कि भैया इंजरी इस नेचर की है, इस नेचर की बॉडीली इंजरी है, आपका जो नॉलेज था इतना खूंखार किस्म का था, आपका जो इंटेंशन था इतना खूंखार किस्म का था कि इंसान मरेगा ही मरेगा, मतलब गड्ढे में अगर आप कांच डाल दोगे तो इंसान मरेगा ही मरेगा, तो ये वाली चीज कहाँ आ जाएगी, वो 300 के 3 में आ जाएगी, और मर सकता है मतलब गड्ढे में व्यक्ति गिर के मर भी सकता है और बच भी सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी की बात हो गई है, तो 300 के 2 में फॉल हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ इतना क्लियर हुआ, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं, चलिए आगे की बात करते हैं, आगे क्या है, आगे अब बात करते हैं अपन, बचा कौन सा पार्ट, अपना बचा 299 का 3 वर्सेस किसके बीच में लड़ाई है, अब 300 के 4 के बीच में लड़ाई, मतलब 300 के 4 के बीच में लड़ाई है और 299 के 3 के बीच में लड़ाई है, ठीक है। अब दोनों एक ही चीज पे बात करते हैं,
दोनों अगर आप बेरेट की लैंग्वेज पढ़ोगे तो दोनों में सब चीजें सेम मिलेगी, ठीक है। उसमें लिखा है एक एक में ये वाला नॉलेज, एक में ये नॉलेज। अब नॉलेज नॉलेज की बात है तो एक में जो नॉलेज है वो नॉलेज प्लस लाइकली, एक में जो नॉलेज है उसमें नॉलेज प्लस लाइकली है, और दूसरे में जो नॉलेज है तो नॉलेज प्लस प्रोबेबिलिटी, संभावना, ठीक है। मतलब एक में क्या है आपका कार्य थोड़ा बताएगा, और एक में बताएगा आपका संभाव्य बताएगा कि भैया आपके नॉलेज से जो आपको नॉलेज है, आप जो किसी व्यक्ति को क्षति कारक कर रहे हो तो उस क्षति से मृत्यु कारित होती है, तो एक ये बता देगा, और दूसरा बता देगा कि आपके जो एक्ट कर रहे हो उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु की संभावना हो सकती है। मतलब नॉलेज टू प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता है, एक नॉलेज टू लाइकली के बारे में बात करता है, ठीक है। मतलब दूसरे नॉलेज वही, अगर पिता के हाथ में बंदूक है और बंदूक अगर इस नेचर, मतलब बंदूक इंटेंशन नहीं है लेकिन बंदूक है और बेटे के गणपट्टी पे अड़ा रहा है और चल जा देता है, तो आपको लगेगा कि ये नॉलेज है, हाँ नॉलेज है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि पिता के हाथ में बंदूक है, अगर बेटे की गणपट्टी पे रखी और चला देगा तो मर जाएगा, वो मरेगा ही मरेगा, तो ये वाली चीज बेटे पर चला दे तो इंटेंशन नहीं है, बट नॉलेज तो दे रहा है ना, नॉलेज तो दे रहा, तो दोनों की बात होती है। इसमें जो नॉलेज है वो लाइकली नेचर का है, मतलब मर भी सकता है नहीं, लेकिन इसमें जो संभावनाएं हैं वो मरने की पूरी है, क्योंकि भले इंटेंशन की कमी भी रही हो लेकिन घुंघारपन तो ज्यादा दिख रहा है ना, ग्रेविटी तो ज्यादा दिख रही है ना, तो नॉलेज की ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है कि वो 299 में भी जाएगा और या 300 में जाएगा। मतलब ग्रेविटी पे बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी पे भी, संभावना पे सिर्फ नॉलेज टिका है, कैसे कहा है, प्रोबेबिलिटी पे सिर्फ नॉलेज, लेकिन नॉलेज की ग्रेविटी डिसाइड कर देगी कि 300 में 300 में जाना है कि 299 में जाना है, ठीक है। आगे की कहानी, मतलब अपन ने क्या क्या समझा, अपन ने ये समझा, देखिए कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन निकला कि भैया 299 का जो 1 है वो किसके बराबर है, 301 के बराबर, इस पे कोई दिक्कत, ठीक है। और दूसरे में अपन ने क्या समझा, 299 का जो 2 है वो किसके बराबर बराबर जा रहा है, वो 300 के 2 के बराबर जा रहा है, जरा कि नहीं जा रहा, लेकिन उसमें जो ग्रेविटी है, जो कि मैं आपकी बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, ग्रेविटी की बात कर रहा था, तो वो ग्रेविटी किसके बराबर है, उसमें है स्पेशल नॉलेज, क्या नॉलेज है आपको, देखो बात आई ना, नॉलेज, नॉलेज पे डिपेंड है ग्रेविटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद 299 का जो 3 है, 299 का जो क्या है 3 पॉइंट है, वो किस पे डिपेंड हो रहा है, मतलब 299 का 2 पॉइंट है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, वो भैया 30 इसके 300 के 3 पे, तो इसकी जो ग्रेविटी है, इसकी ग्रेविटी कैसे डिसाइड होगी, वो सफिशियंट इंजरी से डिसाइड होगी, किससे, सफिशियंट इंजरी, कि भैया सफिशियंट इंजरी ऐसी है कि भैया मृत्यु ही कारित हो जाए, डेथ हो जाए, मतलब मरेगा ही मरेगा, तो सफिशियंट इंजरी, ये स्पेशल नॉलेज है अपना कि मर सकता है, ठीक है। अब 299 3 और 30 मतलब 300 का 4, अब इसकी ग्रेविटी के बारे में बात कर ले, तो ये ग्रेविटी कैसी है, ये ग्रेविटी है या इन ऑल प्रोबेबल सफिशिएंट, मतलब इसमें है प्रोबेबिलिटी, इसमें है प्रोबेबिलिटी सिर्फ 300, मतलब 300 के 4 में प्रोबेबिलिटी है कि भैया इन ऑल इंजरी, इन ऑल सफिशिएंट इंजरी, इसके बारे में बात बोली गई है। और लास्ट जो कि मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा कि भैया अपवाद जो इसके एक्सेप्शन है, किसके एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन कितने हैं, 5 एक्सेप्शन है, कितने हैं, और 5 पी से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, 5ों पी से स्टार्ट होते हैं, नहीं मानिएगा तो देखिए, पहला है प्रोवोकेशन, दूसरा अपना प्राइवेट डिफेंस, तीसरा अपना है पब्लिक सर्वेंट, चौथा अपना है भैया फाइट, अचानक सडन फाइट, ठीक है, और जो 5वां पॉइंट बनेगा वो बनेगा परमिशन, ठीक है। तो इस टाइप से अपन याद कर सकते हैं, तो
जुड़े रहिए इसी के साथ हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।